दोस्तों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एक सरल फलित किस प्रकार से किया जा सकता है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद आप भी अपनी जन्म कुंडली के आधार पर आसानी से फलित कर पाएंगे। दोस्तों, ये आपको पता है कि किसी भी फलित के लिए तीन मुख्य बिंदुओं की आवश्यकता होती है। वो तीन मुख्य बिंदु है भाव, भावेश और कारक ग्रह। देखिए, भाव, भावेश और कारक ग्रह एक फलित में विशेष योगदान देते हैं। सबसे पहले आपको भाव, भावेश और कारक ग्रह के बारे में पता होना चाहिए कि वो किसी भी फलित में क्या योगदान, क्या भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले हमें उनकी भूमिका का निर्धारण करना जरूरी है, क्योंकि जब हम उनकी भूमिका को निर्धारण कर लेंगे तो और फिर उसके बाद में हम फलित तक जाएंगे कि एक फल में इनका क्या योगदान होता है। तो हम आज के इस वीडियो में आपको पहले भाव, भावेश और कारक ग्रह के बारे में बताएंगे कि इनका अलग अलग कार्य क्या है, ये क्या मुख्य अपनी भूमिका निभाते हैं और फिर उसका फलित पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं भाव की। किसी भी फलित के लिए या किसी भी फल के लिए अगर आप जानकारी चाहते हैं तो भाव का क्या कार्य होता है, किसी भी फल को देता है भाव। ये भाव का कार्य होता है, ये भाव की जिम्मेदारी होती है फल देने की। उसके बाद में आता है भावेश। भावेश का मतलब होता है भाव का स्वामी ग्रह, और भाव का स्वामी ग्रह उस फल में वृद्धि या कह सकते हैं कमी, फल को बढ़ाने या घटाने का कार्य भावेश करता है। तीसरे नंबर पे आता है कारक ग्रह। जिस भी फल के बारे में बात कर रहे हैं उसके कारक ग्रह को ले लीजिए। कारक ग्रह आपको क्या बताएगा, कारक ग्रह उस फल के बारे में, उस फल की आत्मसंतुष्टि और खुशी के बारे में बताएगा कि जो फल आपको मिला उसे आपको कितनी, मतलब उससे आपको कितनी खुशी हुई, कितनी आपको आत्मसंतुष्टि हुई, इस चीज के बारे में बताता है कारक ग्रह। क्योंकि तीनों का अलग अलग कार्य है और तीनों ही फिर ये फलित में अपना योगदान देते हैं। तीनों से मिलके ही हमें किसी फलित को, हम किसी फलित तक पहुंच पाते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे हम एक एक करके बात करते हैं। अभी हमने तीनों की भूमिका ली, अब फलित कैसे कर सकते हैं, फलित बहुत, मतलब कि आसानी से हम फलित कर पाएंगे, हम एक एक चीज को लेते हैं। पहले भाव के बारे में बात करते हैं। देखिए, जैसे कि हम मान लेते हैं सातवें भाव के बारे में बात करते हैं। एक सातवां भाव बहुत सारी चीजों के बारे में बताता है, पर हम बात करते हैं यहाँ पे केवल एक मुख्य चीज की बात कर लेते हैं। हम बात करते हैं विवाह की। अगर हमें विवाह के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें सातवें भाव पर जाना पड़ेगा। देखिए, किसी भी फल के लिए तीनों बिंदु जो है मुख्य रूप से जरूरी है। तीनों के बल को देखना जरूरी है, क्योंकि तीनों के बल को देख के ही हम किसी भी फलित का निर्धारण कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं भाव की, तो और सातवें भाव की, सातवें भाव से हमें देखना क्या है, हम देख रहे थे विवाह। और विवाह के लिए हम सातवें घर के हम बल को देखेंगे कि हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि सातवां घर कितना बली है। घर जितना बली होगा उसके आधार पे ही आपको फल मिलेगा। ये देखिए, आप सातवां घर बली और निर्बली कैसे देखेंगे कि सातवां घर कैसी स्थिति में है, शुभ स्थिति में है, अशुभ स्थिति में है, शुभ प्रभाव में है, अशुभ प्रभाव में है, पाप कत्री में है, शुभ कत्री में है, ये चीज देखिए। मान लीजिए शुभ प्रभाव का मतलब शुभ ग्रहों का सातवें घर को देखना, या सातवें घर में शुभ ग्रह बैठना, या शुभ जो सातवां घर है शुभ कत्री में होना, दोनों तरफ शुभ ग्रह होना, या कह सकते हैं दूसरा हम बता रहे थे अशुभ प्रभाव। अशुभ प्रभाव का मतलब वही है, अशुभ ग्रहों का बैठना, अशुभ ग्रहों का देखना, अशुभ भावेशों का देखना और अशुभ ग्रहों का इसके दोनों तरफ होना, तो ये पापकत्री हो जाएगी। इससे क्या होगा, इससे हमें भाव के बल का पता चलेगा, क्योंकि किसी भी फल के लिए भाव में कुछ ना कुछ बल होना जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि उस भाव में कुछ ना कुछ शुभता होनी जरूरी है। भाव जैसा होगा, जितना बली होगा वैसे ही आपको परिणाम देगा। अगर भाव अशुभता में है, कहते हैं पूर्ण अशुभता में है, तो फल जो हमें फल मिल रही, जो हम फल जानना चाहते हैं उसमें कमी होगी, या कह सकते हैं उस फल को प्राप्त करने में हमें निराशा मिलेगी हमें वहां से, क्योंकि किसी भी फल के लिए हमें कुछ ना कुछ शुभता होनी
जरूरी है, तभी हमें उसका फल को मिल सकता है। अगर मान लीजिए सातवां भाव शुभता में, तो फल हमें आसानी से मिल जाएगा, और हम विवाह की बात कर रहे हैं तो विवाह समय अनुसार हो जाएगा। अगर उस पे शुभ प्रभाव भी है अशुभ प्रभाव भी है, विवाह तो होगा पर कुछ देरी या कुछ कठिनाइयों के बाद कठिनाइयों के साथ ही होगा। अगर केवल अशुभ प्रभाव है तो हमें विवाह होने में समस्या होगी। ये बात करी हमने सातवें भाव की। अब बात करते हैं भावेश की। जो राशि सातवें घर में होगी उसके स्वामी ग्रह को ले लीजिए। फिर ये देखिए स्वामी ग्रह कैसी स्थिति में है, शुभ प्रभाव में है या अशुभ प्रभाव में है, कहीं कुंडली के 6-8-12 में तो नहीं है, या फिर भाव से 6-8-12 तो नहीं है, उसकी स्थिति को देखिए। क्योंकि भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में होगा, केंद्र त्रिकोण में होगा, अच्छी स्थिति में होगा, शुभता में होगा, तो वो अपने फल भाव के फल को बढ़ा देगा। आपने ज्योतिष में एक नियम देखा है, सुना होगा, आपने ज्योतिष में एक नियम सुना होगा कि भाव का स्वामी अगर भाव को देखे तो भाव के फलों को बढ़ा देता है। उसी प्रकार से ये देखिए कि अगर सातवें भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में होगा तो इसका मतलब हम ये लगाएंगे कि जो हमारा स्पाउस होगा या जीवन साथी होगा वो अपने जो उसके कर्तव्य है उसको सही तरीके से निभाएगा या पूर्ण अच्छे तरीके से उसका पालन करेगा। अगर वही सप्तमेश अशुभता में है, अशुभ स्थिति में है, तो जो हमारा स्पाउस होगा वो अपने जो उसके कार्य है, जो उसके उत्तरदायित्व है, उसमें निभाने में कुछ कमी होगी। अब बात करते हैं कारक ग्रह की। अगर मान लीजिए ये पुरुष कुंडली है, पुरुष कुंडली के अंदर विवाह का कारक ग्रह होता है शुक्र, तो हम शुक्र की स्थिति देखेंगे। अगर शुक्र शुभता में है, शुभ स्थिति में है, अच्छी जगह बैठा हुआ है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि विवाह हो गया। विवाह के बाद में उसमें जो हमें अगर शुभता में होगा तो विवाह से हमें संतुष्टि भी रहेगी। अगर वहीं पे शुक्र अशुभता में हुआ, अशुभ प्रभाव में हुआ, कमजोर हुआ, तो वहीं विवाह तो हुआ पर विवाह के बाद खुशी नहीं मिल पाएगी। जो आंतरिक खुशी होती है विवाह संबंधी, वो उसमें कहीं ना कहीं कमी जरूर रहेगी। तो इसीलिए अगर ये महिला की कुंडली होगी तो महिला की कुंडली में विवाह का कारक ग्रह होता है बृहस्पति, तो हमें बृहस्पति के बल को देखना जरूरी है कि बृहस्पति जितना बली होगा या जैसा प्रभाव होगा वैसा ही अपना रिजल्ट देगा। अभी हमने यहाँ पे आपको तीनों चीजों के बारे में बताया, क्योंकि देखो किसी भी फल के लिए भाव, भावेश और कारक तीनों ग्रहों को या तीनों बिंदुओं को देखना जरूरी है। जो बिंदु जैसे प्रभाव में होगा वैसे ही आपको परिणाम मिलेंगे। अगर मिला जुला असर है तो मतलब शुभता भी है और अशुभता भी है, तो फिर आपको मिला जुला असर ही मिलेगा। इस चीज को आप तीनों को मिक्स कीजिए और उसका परिणाम बता दीजिए। इसी प्रकार से आप किसी भी भाव के फल को बता सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे आपको भाव, भावेश और कारक तीनों को अलग अलग डिफाइन किया है। फिर उसके बल को देख लीजिए, बल के अनुसार ही आपको फल मिलना होता है। तो मित्रों आप अपनी कुंडली के आधार पर भी आसानी से फलित कर पाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, धन्यवाद।